डिडवाना और आसपास के क्षेत्रों में बीते दो दिनों से लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। हल्के कोहरे और धुंध की वजह से क्षेत्र में सर्दी अचानक ही दोगुना बढ़ गई है और अब क्षेत्र के लोगों को सर्दी के कपड़े पहनने को मजबूर कर दिया है। साथ ही बीते दो दिनों में मौसम में दिन भर गुलाबी ठंड का एहसास रहता है। बीते दो दिनों से शाम होते ही ठंड शुरू हो जाती है और सुबह तक असर रहता है। साथ ही आसमान में हल्के बादलों के छाए रहने से भी मौसम में फर्क पड़ा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नरपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरपत, डिडवाना और आसपास के क्षेत्रों में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, अब सर्दी का भी असर वहां देखने को मिल रहा है। देखिए, बीते दो दिनों से लगातार क्षेत्र में मौसम में बदलाव अचानक देखने को मिला है। अचानक जो सर्दी है वो बढ़कर दुगुना हो गई है और आज की अगर बात करूँ तो आज सुबह ही हल्की धुंध के साथ हल्का कोहरा छाया है और हल्के कोहरे की वजह से जो जमीन है उस पर भी हल्के हल्के एक ठंड की परत है, नमी की परत जम गई है। साथ ही कोहरे की वजह से आम जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त हुआ है, जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है और हल्की धुंध और कोहरे की वजह से जो डिडवाना से निकलने वाला किशनगंज रत्नगढ़ मेगा हाईवे है या मैं दूसरे हाईवे की बात करूँ तो उन पर भी जो यातायात है उस पर भी काफी असर देखने को मिल रहा है। और ये धुंध अचानक बढ़ने से जो आम लोग जो बाकी दिनों में जो नॉर्मल कपड़े पहन रहे थे लेकिन बीते दो दिनों में सर्दी के कपड़े पहनने को मजबूर हो गए हैं और सर्दी है वो दुगुना बढ़ गई है। जी देखिए, सर्दी का असर राजस्थान में सभी जगह अब देखने को मिला है। बात करें डिडवाना की तो वहां की जनता से आपकी कोई बात हो पाई है? सर्दी को लेकर के वहां की जनता से कोई बात हो पाई है? देखिए, मैंने देखा है कि जो बाजार है उसमें भी जो सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। आम लोगों का कहना है कि बाकी दिनों में सर्दी का असर देखने को नहीं मिला था लेकिन इन दो दिनों में सर्दी अचानक बढ़ गई है और इसकी वजह से है वो जनजीवन प्रभावित हो रहा है और लोग हैं उनको भी सर्दी का एहसास हो गया है। बीच में जो गुलाबी सर्दी की वजह से लोग ठंडे कपड़े नहीं पहन रहे थे लेकिन दो दिनों में अचानक सर्दी बढ़ जाने से लोग प्रभावित हो रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद नरपत।